गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इसके साथ साथ फिन निफ्टी का क्या एनालिसिस रहेगा, फिन निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस वीडियो अपलोड करती हूं। इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस जो कि शेयर मार्केट के अंदर नए हैं, जिनको पता नहीं है कि ऑप्शंस के अंदर काम कैसे होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, उन सब के लिए मैं एजुकेशनल वीडियोज भी अपलोड करती हूँ। ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से मिल जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कोई फैंसी एडिटिंग वाले वीडियोस ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छे खासे लगे, जो आपको एजुकेशन कम नॉलेज कम लेकिन अच्छी खासी एडिटिंग वगैरह कुछ स्किल्स दिखा दे, कुछ ऐड कर दे, तो ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्योर एनालिसिस मिलेगा। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल क्या होने वाला है इसके लिए आए हैं तो आपको वीडियो में वही देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी डाल दिया, कुछ एडिटिंग कर दी, ये सब हमारे इधर तो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर एजुकेशन ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं शेयर मार्केट को सीखना, प्योर नॉलेज चाहते हैं, तो ही आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काम के अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर और आगे भी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताती रहूंगी ताकि आपका फायदा हो सके, यही मेरा मोटिव है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से पार हो जाने चाहिए ताकि मुझे भी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर एवरी डे मैं फ्री एक ट्रेड प्रोवाइड करती हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी के लिए, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको सारी डिटेल्स पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। तो अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की हुई है, वही मेरा ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा जो भी आपको टेलीग्राम पे चैनल्स दिखेंगे वो सारे के सारे फेक चैनल्स हैं, और जो भी आपको फेक चैनल्स दिखे मेरा इस चैनल के अलावा वो सारे रिपोर्ट कीजिएगा। सो अभी चालू करते हैं हम लोग एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी फिलहाल मेरे सामने बैंक निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग आज देखें तो एक बढ़िया हमें डाउनसाइड के लिए मूव कैच किया था और 44,000 भी निफ्टी बैंक ने तोड़ दिया। मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी बैंक 44,000 से नीचे क्लोज होता है तो इस जोन तक जाने के चांसेस निफ्टी बैंक के बने हुए हैं। अभी क्या होगा, अभी देखिए निफ्टी बैंक ने ये लो करके यहाँ से एक रिकवरी दिखाई है। 43,780 से निफ्टी बैंक ने रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 44,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ है। अभी यहाँ से हम लोग कैसे मान सकते हैं कि बुल्स वापस आ चुके हैं, क्योंकि कैंडल भी उतनी बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को 44,200 यानी कि ये जो आज का हाई है, इस हाई के ऊपर अगर निफ्टी बैंक सस्टेन होता है 30 मिनट के लिए तो ही हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर बुल्स वापस आ चुके हैं। लेकिन अगर निफ्टी बैंक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये लो तोड़ देता है 43,800 से फिर से नीचे फिसल जाता है तो डेफिनेटली हम लोग ये जोन निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे। मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड्स, अगर निफ्टी बैंक एक भी सेशन में और 43,800 से नीचे फिसला तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 43,000 और 42,500 मतलब 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का फॉल डेफिनेटली यहाँ से दिखाएगा।
अगर रिकवरी होगी तो निफ्टी बैंक को 44,200 के ऊपर सस्टेन भी होना होगा और इसके ऊपर की क्लोजिंग भी देनी होगी, तभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी बैंक बाउंस करेगा और फिर हमें 46,000 तक के लेवल्स जो है वो आगे आने वाले सेशंस में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज गिरावट सीधा हमें इस जोन तक जाती हुई दिखाई देगी, ये आप मार्क कर लीजिएगा। मंडे के लिए कोई भी सी साइड के अंदर जब तक 44,200 नहीं टूटता है कोई भी सी साइड के अंदर नहीं जाएगा, और डाउन साइड के लिए पी के अंदर कौन से लेवल के ऊपर टूटने के बाद जाएंगे तो 43,950 और 43,930, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे निफ्टी बैंक फिसला तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट 43,810, सेकेंड टारगेट 43,650 का लेवल रहेगा। तो ये सपोर्ट जोन टूटने का वेट करना है डाउन साइड के लिए और अपसाइड के लिए 44,200। जब तक ये दोनों लेवल्स में से कोई भी लेवल टूटता नहीं है एंटर नहीं करना है, क्योंकि फिर रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी बैंक और ऑप्शंस के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, 10-20 पॉइंट्स लेकर ही निकलना होगा। और अगर आप वेट करते रहे तो प्रीमियम मीटिंग होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक बार ऑप्शन चेन डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मेरे सामने नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है। कॉल साइड में अगर देखें तो 2,00,000 का ओपन इंटरेस्ट दो लेवल्स के ऊपर है, 44,500 के ऊपर और 45,000 के ऊपर। सबसे ज्यादा ऊपर के साइड में अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो 80,000 की हुई है कॉल राइटिंग, जो कि हुई है 44,200 लेवल्स। देखिए 44,200 मैंने वहां पर भी आपको चार्ट के ऊपर बताया था, और यहाँ पर भी देखिए 80,000 का कॉल राइटिंग यहाँ पर मौजूद है 44,200 के ऊपर, यानी कि राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑलरेडी 44,200 के पास। तो अगर निफ्टी बैंक यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, यहाँ से पोजीशन निकल जाती है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है, तो निफ्टी बैंक 44,200 तोड़कर सीधा हमें कहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 44,500 के ऊपर। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 44,500 के पास है, यानी कि 200 से 500 तक 300 पॉइंट्स की रैली हमें आसानी से यहाँ पर मिलेगी सी के अंदर। और फिर सी के अंदर जो जैकपॉट लगेगा वो आप सोच लीजिएगा, आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर 100 से 150 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पर हमें सी के अंदर हो सकता है एक बार 44,200 के ऊपर निफ्टी बैंक निकल गया तो। और एक बार 44,500 के ऊपर सस्टेन हो गया तो सीधा 45,000 के तरफ निफ्टी बैंक धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि फिर से जो है वो बुल समय वापस आते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। अभी सामने देखिए सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है, तो 2,16,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 44,000 के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है 43,800 के ऊपर 1,12,000 की। तो यहाँ पर मैंने आपको जो सपोर्ट बताया था कि अगर 43,800 टूटा तो यहाँ से बुल्स कभी वापस नहीं आएंगे, सीधा हमें 43,000 तक का फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, अगर ये सपोर्ट जोन निफ्टी बैंक फिर से तोड़ देता है और इससे नीचे जाता है तो निफ्टी बैंक को 43,000 के तरफ गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता, तो यहाँ से ही रिवर्सल मिलेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता है अपसाइड के लिए तो निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव ही रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 44,000 से नीचे निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव हो जाएगा, फिर हमें ज्यादा अपसाइड के लिए मूव नहीं मिलेगा, डाउन साइड के लिए ज्यादातर मिलेगा या फिर रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी बैंक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे अभी, जो लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है, अपसाइड के लिए 44,200, डाउन साइड के लिए 43,950-930 टूटने के बाद ही पी साइड के लिए जाइएगा, फॉल अच्छा खासा मिलेगा। इसके बीच में रहा मार्केट तो मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी बैंक रेंज बाउंड रहेगा और फिर ऑप्शंस के अंदर उतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो मोमेंटम चाहिए वो इन दोनों लेवल टूटने के बाद ही मिल सकता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 की क्लोजिंग कहाँ पर मिली है ये देख लेते हैं एक बार। सो निफ्टी बंद हुआ है आज 19,434 के पास।
तो निफ्टी ने तो एक अच्छी खासी रिकवरी कैंडल बनाई है। देखिए, मैंने आपको कहा था 19300 का लेवल निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो निफ्टी ने इस सपोर्ट से एक बाउंस लिया, 19250 तक गिरा था और सीधा कहाँ तक बाउंस लिया था, 19470 तक। अभी अगर देखें ग्राफ तो एक रिकवरी कैंडल तो हुई है, एक अच्छी कैंडल बनी है, लेकिन क्या निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के ऊपर सस्टेन कर पाता है? 19500 अगर होल्ड कर पाता है तो ही रिकवरी पॉसिबल है, तभी हम लोग कह सकते हैं कि निफ्टी के अंदर रिकवरी हुई है। अदरवाइज अगर निफ्टी फिर से 400 का लेवल तोड़कर इससे नीचे जाता है तो इस बारी निफ्टी 19200 और 19150 तक हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 19300 के पास एक सपोर्ट है, तो अगर इस सपोर्ट को फिर से निफ्टी तोड़ देता है तो डाउनसाइड के लिए 1950 का लेवल हम लोग निफ्टी के अंदर आगे आने वाले 1 से 2 सेशंस में देख सकते हैं। अपसाइड के लिए अगर रिकवरी है तो 19510 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम लोग कहेंगे कि यहाँ से रिकवरी हुई है और यहाँ से निफ्टी जो है फिर अपसाइड के लिए हमें 19700 और 800 के जोन में फिर से जाता हुआ दिखाई देगा। अभी 19434 के पास क्लोजिंग मिली है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करें? अगर देखिए 400 450 के पास फ्लैट ओपनिंग हो जाती है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ से हमें वेट करना है 400 या फिर 500, ये पूरा रेंज 100 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज में अगर निफ्टी रहता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, या तो 400 टूटने का, 400 टूटने के बाद भी निफ्टी हमें डाउनसाइड के लिए 19300 तक का फॉल डेफिनेटली दिखाएगा, और अपसाइड के लिए जैसे मैंने आपको कहा है कि 500 अगर होल्ड होता है तो डेफिनेटली अपसाइड के लिए बुल्स जो है वो वापसी करेंगे और निफ्टी जो है वो हमें अपसाइड के लिए अच्छे खासे लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। तो मैंने जो कहा है आपको लेवल्स 400 और 500 इस बीच में रहता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में मार्केट जो है वो डायरेक्शन लेस है। यहां से हमें पता चलेगा कि अपसाइड के लिए जाने वाला है कि डाउनसाइड के लिए। अगर 400 टूटेगा तो एक डाउनफॉल होगा और 500 टूटेगा तो एक बुल्स रैली हमें अच्छी खासी अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें तो 2 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 19600 के ऊपर। सबसे ज्यादा जो पुट कॉल राइटिंग हुई है वो 64,000 की हुई है, जो कि 19450 के ऊपर हुई है। ऊपर के लेवल में देखें तो ऊपर के लेवल में खास कोई पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई दिख नहीं रही है। तो यहाँ से निफ्टी के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 400 450 इसके ऊपर ही सस्टेन करे, तभी हमें 19600 और 700 तक के लेवल्स जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। सामने अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है वो 1,81,000 का है और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है 77,000 की, जो कि 19300 के ऊपर है, और पुट राइटिंग देखिए 400 के ऊपर है। तो ये पूरा जोन ही सपोर्ट जोन है निफ्टी 50 के लिए। अगर 400 भी टूटता है तो भी 300 के पास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर आपने 400 टूटने के बाद पुट साइट में एंट्री ली है तो आपको आपका प्रॉफिट जो है वो 300 350 के रेंज में बुक कर लेना होगा, क्योंकि यहां से एक फिर से रिवर्सल होने के चांसेस निफ्टी के बने हुए हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बेस है, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19300 के पास। और एक बारी अगर निफ्टी बैंक ने कल यानी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 19300 से नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो आने वाली एक्सपायरी के दिन हम लोग 19000 और उससे भी नीचे निफ्टी को गिरते हुए फिर देख सकते हैं। सो ये निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। अभी बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो मैंने कल जो एक्सपायरी के लिए वीडियो बनाया था फिन निफ्टी के लिए, उसमें मैंने आपको कहा था कि फिन निफ्टी के लिए देखिए 19800 ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है फिन निफ्टी का। 19800 अगर निफ्टी फिन तोड़ देता है तो हमें यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी और फिन निफ्टी जो है वो हमें 20,000 की तरफ फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक अच्छी खासी बुल्स रैली हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आज फिन निफ्टी ने 19800 तोड़ा? नहीं, 19800 से ऊपर गया ही नहीं, ओपनिंग के बाद ही एक फॉल हमें
फिन निफ्टी के अंदर देखने को मिला। 19530 तक फिन निफ्टी हमें यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही 19500 के पास पहुंचा यहाँ से एक रिकवरी हुई कहाँ तक, 19700 तक। लेकिन ये रिकवरी उतनी बढ़िया रिकवरी कह नहीं सकते। अगर फिन निफ्टी यहाँ से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 19750 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक बुल्स की वापसी हो सकती है 19900 तक, क्योंकि 19900 और 800 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन ही है। अगर इसमें आता भी है तो भी एक फॉल होने के चांसेस फिन निफ्टी के बने हुए हैं। अभी अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो फिन निफ्टी अगर फिर से 19600 को ब्रेक करता है या फिर 19550 को ब्रेक करता है तो फिर से एक फॉल होगा टुवर्ड्स 19200 एंड 19000 तक। फिर निफ्टी हमें यहां तक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वन और टू सेशंस में। तो फिन निफ्टी के अंदर भी एक फॉल के चांसेस बने हुए हैं। अगर रिकवरी हुई तो 750 और 800 नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में होल्ड होगा। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता है तो फिन निफ्टी रिकवरी नहीं कर सकता है, फिर हमें और फॉल ही देखने को मिलेगा और ये फॉल सीधा हमें 19000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर। सो इसके लिए तैयार रहिएगा, जो लेवल्स बताए हैं उन्हीं लेवल्स के पास ट्रेडिंग कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ वहाँ कहीं पर भी ट्रेडिंग मत कीजिएगा। और मेन जो मैं हमेशा बात कहती हूँ, शेयर मार्केट के अंदर वही पैसा डालिए जो आपको ज़रूरी नहीं है। अभी अगर आपको वो पैसा ज़रूरी है किसी और काम के लिए आपको देना है लेकिन फिर आप वो शेयर मार्केट के अंदर डाल रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जो पैसा आपके सेविंग्स में पड़ा हुआ है, एफडी में पड़ा हुआ है, वो उसमें से भी थोड़ा आप यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। अगर आप कोई ज़रूरी पैसा है वो आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है अगर वो पैसा चला जाए तो। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज के साथ ही ट्रेडिंग कीजिएगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही ट्रेडिंग कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।